नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। बढ़ते प्रदूषण के चलते अस्थमा आजकल एक आम सी बात हो चली। मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही। भारत समेत सारी दुनिया में करोड़ों लोग अस्थमा से, दमा से पीड़ित हैं। लेकिन आप इससे पीड़ित ना हो इसके लिए क्या करें, और अगर इस बीमारी से आपका वास्ता पड़ ही जाए तो फिर क्या करें, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जानेंगे इसके बारे में सब कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत भी करेंगे। शुरू करते हैं आज का हेल्थ गुरु। और हर बार की तरह एक एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे साथ में आज मौजूद हैं, और आज बहुत ही खास एक्सपर्ट मेहमान हमारे साथ में, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर गिरीश अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। तो आज हम सर से बातचीत करेंगे, डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आप अस्थमा से, दमा से, सांस की बीमारी से निपट सकते हैं। पहली बात तो होता क्यों, यहीं से शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब। ये अस्थमा या दमा आजकल एक बड़ी कॉमन सी एक बीमारी हो गई है, बल्कि एक चिंता की बात यह है कि पहले किसी एक एज लिमिट तक ही सीमित था, लेकिन अब हम देखते हैं कि कई बच्चे भी इससे पीड़ित हैं। क्या इसकी वजह है? अस्थमा के कई सारे कारण हैं। एक कारण अनुवांशिक होता है। अधिकतर केसेस में अस्थमा का जो नया ऑनसेट होता है, कहने का मतलब है कि पहली बार जब हम अस्थमा के सिम्टम्स देखते हैं तो वो यंग एज में, चिल्ड्रंस में इनमें दिखने को मिलता है। 5 साल से लेकर 15 से 20 साल तक के में सबसे पहले ये कॉमन होता है, पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स में जिनमें ये जीन्स में होता है, जिनके परिवार में ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अस्थमा का एक कैटेगरी आता है 40 साल के आसपास की उम्र में। अधिकतर 40 साल की उम्र में जिन लोगों को अस्थमा होता है उनमें अनुवांशिक कारण नहीं देखे गए हैं, और 40 से 50 के बीच जिनको अस्थमा नया पहली बार होता है उनमें अधिकतर केसेस में महिलाएं देखी गई हैं, पर्टिकुलरली ऐसी महिलाएं जो थोड़ी सी हेल्दी हैं, जो थोड़ी सी ओबीज हैं। तो कहीं ना कहीं मोटापे की वजह भी एक कारण है, मोटापा भी एक कारण है अस्थमा, नया अस्थमा आने का। उसके बाद बहुत कम केसेस में हम अस्थमा देखते हैं 60 से 70 साल वालों की उम्र में। लेकिन जब कभी 60 से 70 साल वालों की उम्र में अस्थमा के बारे में हम सोचते हैं तो उसके पहले हमें कई इम्पॉर्टेंट बीमारी जो उस उम्र से जुड़ी हुई है उसे पहले हटाना पड़ता है। तो अस्थमा हम देखेंगे कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के हर एज ग्रुप में अस्थमा मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि अनुवांशिक एक कारण है, दूसरा कारण है मोटापा। वैसे ही इसमें 2-3 और कारण भी हैं। उसमें एक कारण होता है एलर्जी और दूसरा कारण होता है प्रदूषण। कई केसेस में बार बार सर्दी जुकाम होना बचपन में और फिर वो बड़े होकर दमा में कन्वर्ट होना, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। कई केसेस में सिर्फ सर्दी जुकाम है, परिवार में किसी को दमा की शिकायत नहीं है, लेकिन प्रदूषण है, स्मोकिंग है, इन सब की वजह से उसे अस्थमा में बदल जाता है वो। और यही चीज उम्र के साथ साथ बढ़ते जाती है। जैसे आपने बताया कि इसकी प्रमुखता 3 वजह हैं और इसके बारे में डिटेल हम डॉक्टर साहब से पूछते भी रहेंगे, लेकिन आपके पास में भी एक अवसर है कि अगर आप कोई डॉक्टर साहब से सीधे सवाल पूछना चाहते हैं तो 4008777 ये हमारा फोन नंबर खुल चुका है, इस पर आप भी सीधे डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं अस्थमा के बारे में, दमा के बारे में। एक ख्याल रखिएगा, फोन पर सीधे बात करिएगा, टीवी का साउंड बंद कर दीजिएगा, तभी आपकी वार्तालाप, आपका प्रश्न हम तक और डॉक्टर साहब तक स्पष्ट पहुंच पाएगा। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि 3 तरह से ये आता है, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? एक तो सर्दी जुकाम आपने बता ही दिया, सिम्टम्स क्या हैं इसके, कैसे पकड़े कि अस्थमा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा अस्थमा और दमा के बीच का। अच्छा, दमा जो है बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, अस्थमा उतना लोग नहीं समझते जितना दमा समझते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, अस्थमा वो बीमारी होती है जैसे कि मैंने बताया किन किन कारणों से है, और उसका जब हम दवा देते हैं तो उसके ठीक होने की संभावना बेटर रहती है। ठीक होने की संभावना का कहने का मतलब है मेरा कि जड़ से मैं बीमारी हटने की बात नहीं कर रहा, ठीक होने का संभावना का मतलब है कि जब भी मैं अस्थमा का इलाज करूंगा तो मरीज को बेनिफिट मिलेगा। अस्थमा के इलाज का कंसेप्ट होता है अस्थमा का कंट्रोल, अस्थमा के इलाज का कंसेप्ट जड़ से हटाना नहीं होता है। दमा ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ दमा की अगर मैं बात करूं
तो दमा का मुख्य कारण जो है वो सिगरेट स्मोकिंग है। अच्छा, दमा के मरीज 50 साल 60 साल की उम्र में पहली बार आते हैं सांस की शिकायत लेके, जो स्मोकिंग करते थे बहुत हेवी स्मोकिंग या जो बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं उनमें दमा की शिकायत ज्यादा होती है। अस्थमा में जैसे मैंने बताया कि दवा देने से अस्थमा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दमा का मरीज का एक बार प्रॉब्लम शुरू हुआ तो उसका आजीवन दवा चलेगा। वो दवाएं उतनी सिद्ध कारगर नहीं है जितनी कि अस्थमा में है। सिम्टम्स की बात करूं तो दोनों ही पेशेंट में, अस्थमा का पेशेंट हो चाहे दमा का पेशेंट हो, उनमें सिम्टम लगभग लगभग सेम होते हैं, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, या फिर पर्टिकुलरली अस्थमा के मरीजों में शुरुआत सर्दी जुकाम से होना और छाती से या सांस में सीटी बजने की आवाज आना। अस्थमा के मरीजों में ये सारे सिम्टम कई बार पेशेंट कहते हैं कि मेरे को धूल से एक्सपोजर हुआ और मेरे को चालू हो गया प्रॉब्लम, मैंने आइसक्रीम खाई या मैंने दही खाया तो मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो मोटा मोटा ये देखा गया है कि अस्थमा में हर बार अस्थमा बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक स्टिमुलस होता है, वो उस स्टिमुलस को हम एलर्जन कहते हैं। तो ऐसे लोग जिसमें एलर्जी की वजह से अस्थमा है उसमें कोई ना कोई स्टिमुलस मिलेगा, ऐसे लोग जिसमें बिना एलर्जी के अस्थमा उसमें स्टिमुलस मिले जरूरी नहीं है। लेकिन एलर्जी अस्थमा में दो अलग चीजें साथ में मिलेंगी, नॉन एलर्जी अस्थमा और दमा में लगभग लगभग सेम सिम्टम्स ही रहते हैं। चलिए हमारे साथ में कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विवेक जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है, अपना सवाल पूछिएगा। चलिए लगता है विवेक जी का संपर्क हमसे कट गया। आप भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं 4008777 पर कॉल करके, आप सीधे हमसे प्रश्न पूछें, डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछें। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सही आपने विषय उठाया क्योंकि अस्थमा दमा अब तक ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग एक ही समझते हैं, और साथ में जो ट्यूबरक्लोसिस के शुरुआती लक्षण हैं ऐसा लोग इन तीनों चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। किस तरह से डॉक्टर के पास पहुँचने पर इन तीनों चीज़ों का क्या इलाज भी अलग अलग है, क्या जो ड्यूरेशन है इलाज का वो भी अलग अलग है, ट्रीट करने का तरीका क्या इसमें डिफरेंट है? टीबी ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर है। टीबी के मरीजों में भी खांसी होती है लेकिन उनमें सांस भरने से ज्यादा दूसरी परेशानी होगी। खांसी के अलावा कफ बनना, बुखार आना, हल्का लो ग्रेड का फीवर, 99-100 का फीवर आना, खाने पीने में कमी होना, वजन में गिरावट होना, ये सारी चीजें रहेगा। प्लस उसके साथ में नई, मतलब नया सिम्टम, कहने का मतलब है कि वो मरीज ये कह सकते हैं जी मुझे ये सिर्फ महीने भर से परेशानी है, डेढ़ महीने से परेशानी है, चार महीने से परेशानी है। टीबी के मरीजों में सांस भर सकती है जब फेफड़े में पानी भर जाए, तो ऐसे मरीजों को सांस की दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हो सकता है कि खांसी भी है सांस भी भर रहा है, तो वो टीबी है कि अस्थमा है ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन उसमें फिर आप इन्वेस्टिगेशन के साथ मरीज से और चार छह सवाल पूछो तो मोटा मोटे तौर पे अपन डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं, चाहे हमें फिर एक्सरे की मदद लेना पड़े, चाहे हमें फूक मारने वाली जो टेस्ट होती है स्पायरोमेट्री जिससे हम अस्थमा कन्फर्म करते हैं उसकी मदद लेना पड़े, तो इस मोटा से इस पे हम डायग्नोसिस बना लेते हैं। जहाँ तक इलाज का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि अस्थमा का इलाज का कंसेप्ट अस्थमा का कंट्रोल है, और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अस्थमा के मरीज को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि मेरी बीमारी जड़ से नहीं जाएगी, मेरे को दवा लेनी पड़ेगी, और दवा से मैं कंट्रोल अगर रहा मेरा प्रॉब्लम तो मेरा जीवन सामान्य जीवन होगा, मुझे उससे कोई वो नहीं। पंप या इन्हेलर जो हम इसके लिए मेन ट्रीटमेंट है, अभी भी लोग उसको लेने से शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, समाज में उनको लगता है कि किसी के सामने मैं दवा नहीं ले सकता, एक सोशल स्टिग्मा अभी भी है, लोग पसंद नहीं करते, कहते हैं गोली दे दो जी हमको, जबकि बेस्ट ट्रीटमेंट अस्थमा और दमा दोनों के लिए इन्हेलर या पंप है। एक कॉमन मिस्टेक्स जो मैं पेशेंट को देखता हूँ जब मेरी ओपीडी में आते हैं कि कोई पेशेंट आया, मैंने उसको अस्थमा की डायग्नोसिस दी, तो सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर पता नहीं कितना बड़ा मुश्किल आ पड़ा। जी जी, चलिए डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा आपको थोड़ा सा बीच में रुक रहा हूं। एक कॉलर जुड़ गया हमारे साथ में, विवेक जी जो पहले जुड़े थे। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है, पूछिए सवाल अपना। विवेक जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए।
पालम दास साहब मुंगेली से जुड़े हैं अगले कॉलर। नमस्कार साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर जी। जी पहले तो आप टीवी का साउंड बंद कर दें, शुरुआत में ही हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, टीवी का साउंड बंद कर दें, सवाल पूछें। हाँ हाँ सर जी, सर्दियों में मेरे ठंडा लगता है तो सर्दी और खांसी बहुत आता है सर। जी डॉक्टर साहब, सर्दी के सीजन में खांसी बहुत आती। हाँ खांसी और सर्दी ठंडे के दिन में। ठंडे के समय पे जो हवा की नमी होती है वो कम हो जाती है, और जब हम सूखी हवा या कम नमी वाला हवा लेते हैं तो हमारी सांस की नली में जो मॉइस्चर होता है, जो गीलापन होता है, वो कम हो जाता है। वो अपने आप में खांसी का सिम्टम या दमा बढ़ाने का सिम्टम पैदा कर सकता है। ऐसे मरीज जिनको एलर्जी की परेशानी है, चेंज ऑफ वेदर, मौसम के बदलाव में उन्हें सर्दियां बहुत जल्दी पकड़ती है। हमारा बॉडी पूरा एक कनेक्टेड सिस्टम है, नाक से लेकर फेफड़े तक भी कनेक्टेड है, तो अगर सर्दी होती है तो नाक के पीछे से कई बार हल्का हल्का रिसाव होता है जो सांस की नली में जाता है, वो दमा बढ़ा देता है। तो ऐसे मरीजों को सर्दी से अपने आप को बचा के रखना, या ऐसी जगह पे सांस ले, या उन जगहों को अवॉइड करें जहां पे बहुत ज्यादा नमी की कमी हो, वो एक उसका है। प्लस जैसे मैंने कहा, कंट्रोल अगर आप रखेंगे, दमा का कंट्रोल अगर आपका बना हुआ है, तो बदलते हुए मौसम में आप उतने परेशान कभी भी नहीं होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्या ये रिलेटेड है हमारे दैनिक जीवन की कुछ गलतियों से, जैसे कुछ तो एलर्जीज हैं, इन एलर्जी को क्या केवल डॉक्टर की मदद से पकड़ा जा सकता है, या आप खुद भी इस बारे में थोड़ा अवेयर हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या खान पान से कहीं रिलेटेड है? एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एलर्जी को लेकर, और वो मिसकंसेप्शन या हिंदी में हम उसे कह सकते हैं कि भ्रांति है। हाँ भ्रांति है कि मेरे को किसी भी चीज पर्टिकुलर खाने पीने से एलर्जी है। खाने पीने से जो एलर्जी होती है वो सबसे ज्यादा बच्चों में देखी जाती है, बड़ों में नहीं देखी जाती। ठीक है, कई लोग कहते हैं जी मैं अब दही खाता हूं तो मुझे एलर्जी हो गई। मैंने कहा आप बचपन से दही खा रहे हो, अब कैसे एलर्जी हो गई आपको? तो उसका जवाब नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले यह भ्रांति हटाया जाए कि मेरे को खाने पीने से एलर्जी बहुत ज्यादा है, वो बच्चों में देखी जाती ज्यादातर, बड़ों में नहीं। और बच्चों में भी बहुत लिमिटेड चीजें हैं जिनसे एलर्जी है, जैसे कि मूंगफली का दाना है, अंडा है, या मछली है, या चिकन है, या दूध है। बहुत कम लोगों को, कई लोगों को गेहूं से भी एलर्जी होती है। तो बहुत लिमिटेड फूड एलर्जीज हैं। लेकिन एलर्जी में एक कॉमन चीज ये भी है, दो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। एक होता है सेंसिटाइजर, एक होता है एलर्जन। कहने का मतलब है, मैंने अगर अभी इसको छुआ टेबल को, तो टेबल अगर पहचान सकता है तो उन्होंने मेरे टच को पहचान लिया और उसकी बॉडी में रजिस्टर हो गया। तो जिसने भी छुआ वो, और जितनी भी चीज उसमें बॉडी में रजिस्टर हुई, वो सब टेस्ट में एलर्जिक के नाम पे आते हैं। लेकिन एलर्जिक का मतलब ये, अगर मैंने टेबल को छुआ और उसकी वजह से टेबल को परेशानी हुई तो वो एलर्जन हुआ। कहने का मतलब है, बहुत सारे सेंसिटाइजर होते हैं जो आपकी बॉडी को सेंसिटाइज करते हैं, उनमें से केवल कुछ एक ही होते हैं जो एक्चुअली एलर्जन होते हैं। ठीक है, तो जब कभी आप देखेंगे एलर्जन का टेस्ट करते हैं तो उसमें 25 बीमारियों से, 25 चीजों से एलर्जी है, और डॉक्टर बोलता है कि सारे कुछ बंद कर दो आप, तो आदमी खाएगा क्या? सही का, तो वो हर चीज एलर्जिक नहीं होती, उसमें सेंसिटाइजर ज्यादा होते हैं, एलर्जन कम होते हैं। चलिए कुल मिलाकर मतलब इसमें डायग्नोस का सही वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंच करके इसके बारे में बातचीत करना, खुल के बात करना बहुत जरूरी है। और इस समय अमित जी दमोह से हमारे साथ में कॉलर जुड़े हैं। अमित जी नमस्कार, स्वागत है, पूछे सवाल। अमित जी नमस्कार, स्वागत है, पूछे सवाल अपना। नीलमणि साहब हैं मुंगेली से, नीलमणि जी पूछिए अपना सवाल। जी सर, कि मेरे को रात को सांस चालू हो जाती है सोते समय जी, और सीटी जैसी आवाज आने लग जाती है। ठीक है, रात में सांस लेने में सीटी जैसी आवाज इनको आती है जी। अस्थमा के मरीजों में जो सांस की परेशानी होती है वो अधिकतर देर रात या सुबह सुबह जल्दी जल्दी होती है। उसका अपना एक बॉडी का सिस्टम है, उसकी वजह से वैसा होता है। जब हम अस्थमा के कंट्रोल की बात करते हैं कि अस्थमा का ट्रीटमेंट में कंट्रोल कितना है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मरीज से यही बनता है कि आपकी रात की नींद खराब होती है क्या खांसी की वजह से? आपको रात में कितनी परेशानी है?
अगर उसको रात में परेशानी ज्यादा है तो उसका अस्थमा कंट्रोल नहीं है। तो ये बहुत कॉमन है कि रात में सीटी बजना या खांसी आना या नींद डिस्टर्ब होना या सोते सोते दरवाजा खोल के बाहर बालकनी में चले जाना कि मेरे को सांस नहीं आ रही है। तो ऐसे मरीजों का अस्थमा कंट्रोल नहीं है। यही परेशानी अगर 60-70 की उम्र में हो रही है तो उसका कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन यंग जनरेशन में पर्टिकुलरली ये परेशानी अस्थमा की वजह से ही होती है। जी चलिए अमित जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं दमोह से। अमित जी नमस्कार, पूछिए सवाल। जी नमस्कार पुनीत जी, मैं ये पूछ रहा था सर इनसे डॉक्टर साहब से कि 12 ईयर की हमारी बेटी है, उसका हमने इलाज यहाँ पे डॉक्टर से कराया है, हुआ है कुछ भोपाल में और दमोह में, बट एक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है और वो प्रॉपरली ठीक नहीं हो पा रही है। तो गिरीश सर से मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके लिए प्रिकॉशनरी कुछ ऐसे एक्शन हो सकते हैं जिससे विदाउट मेडिकेशन वो ठीक हो सके घर पे। जी डॉक्टर साहब देखिए, बच्चों में जो अस्थमा होता है, कई सारे पीडियाट्रिशियंस डॉक्टर्स भी इस बात से सहमत करेंगे कि तो 2-3 साल के जो बच्चे उनमें बार बार सर्दी जुकाम होना, बच्चों में ये नॉर्मल चीज़ है कि हर 15-20 दिन में सर्दी जुकाम होता है, लेकिन कई बार वो सर्दी जुकाम ठीक होने में लंबा समय लगाता है और वहाँ पर हमें अस्थमा की शिकायत है, ये इसका डाउट होता है। अगर पर्टिकुलरली फैमिली हिस्ट्री अस्थमा की है तो हमें और ज़्यादा डाउट होता है। बच्चों में 5 साल के नीचे अगर ये सारी परेशानी है तो जितनी भी स्टडीज हैं जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक दमा बच्चों का जल्दी आमतौर पर ठीक हो जाता है। कुछ बच्चे हैं जिनका 10 साल तक ठीक होता है, उनकी संख्या कम है, कुछ और भी कम संख्या वाले हैं जिनका 14 साल तक दमा ठीक हो सकता है, लेकिन इन पूरे प्रोसेस में 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चे जिसमें दमा ठीक हो सकता है उसके लिए उस दौरान दमा का कंट्रोल और प्रॉपर इलाज जरूरी है। जो बात आपने कही अमित जी उस पे मैंने फिर से ये बात दोहरा रहा हूं कि बिना दवाई के बीमारी ठीक नहीं हो सकती। दवा लेने में संकोच ना करें, अस्थमा का ट्रीटमेंट का मूल यही है कि आप उसको कंट्रोल करें। और उनके सवाल का एक हिस्सा था क्या कुछ खान पान या किसी चीज में ऐसी चीज कर सकते हैं कि इससे आप अवॉइड करें या इसे और रोक। हमारी वो बात अधूरी रहेगी एलर्जी और सेंसिटाइजेशन की, तो उस सवाल का जवाब इसी में है कि जैसे मैंने कहा कुछ सेंसिटाइजर होते हैं, ज्यादातर सेंसिटाइजर होते हैं, कुछ एलर्जन होते हैं। बच्चों में खाने पीने की एलर्जी कॉमनली देखी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे कि मैंने कहा ना कि मैंने दही खाई तो मुझे एलर्जी हो गई, आमतौर पे लोग ये शिकायत करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम दही की एलर्जी नहीं है, उसे किसी और चीज की एलर्जी होगी, दही उसके जैसा उसको रिएक्शन दे रहा है। कहने मतलब एक तो जला हुआ ऊपर से आपने नमक डाल दिया, तो दो चीज एक ही पे रिएक्शन कर रहे हैं। दही अपने आप में अस्थमा नहीं करा सकता, लेकिन ऑलरेडी आपको ऐसे किसी चीज से परेशानी है जो दही के समान एड करता है तो आपको अस्थमा हो गया। तो डेफिनेटली खाने पीने की कुछ चीजों से हो सकता है, लेकिन उसको इवेल्युएट कराना जरूरी है कि एक्चुअली कहां पे प्रॉब्लम है। जुड़े हैं सागर से रविशंकर जी। नमस्कार रविशंकर जी, स्वागत है, पूछिए सवाल। रविशंकर जी अपना सवाल पूछेगा। हाँ खांसी चल रही है जी, लगातार आपको खांसी चलती है? खांसी चल रही है 5-6 महीने से जी। और भी कोई तकलीफ होती है आपको? नहीं, खांसी चल रही 5-6 महीने से जी। डॉक्टर साहब कुछ इनको सलाह देना चाहेंगे? देखिए ये बहुत ही वेग सा सिम्टम है खांसी। खांसी 5-6 महीने से अगर चल रही है तो ये तो पक्की बात है कि उसकी जांच होनी चाहिए। 5-6 महीने से खांसी चलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और फेफड़े की ही कई सारी बीमारी हो सकती है जो 5-6 महीने की खांसी करा सकती है। तो सिर्फ एक परेशानी कि मुझे 6 महीने की खांसी चल रही तो क्या मेरे को दमा है, इसका जवाब बिना जाँच कराए देना बहुत मुश्किल है। दमा हो सकता है आपको, उसके पीछे बहुत सारे सवाल पूछने पड़ेंगे, कई सारी जांचें हो सकती है लगे, लेकिन सिर्फ खांसी के बेसिस पे मैं ये नहीं कह सकता कि आपको दमा है। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं रामलाल जी दमोह से। नमस्कार साहब, पूछे अपना सवाल। सर मैं रामलाल हर बार बोल रहा हूँ दमोह जिला से। जी जी पूछे अपना सवाल। पूछे सर, मेरा ये है सर प्रॉब्लम कि मेरे पिताजी का सर 70 एज के समथिंग है जी सर, उनको सर ये स्वास्थ्य की बीमारी चलती, माने से सांस फूलता है सर ऑटोमेटिक जी, सांस की बीमारी है एट द एज ऑफ 78, 78 वर्ष की उम्र में। जब हमने बातचीत शुरू की थी तब हमने कहा था कि दमा बच्चे से लेकर 40 की उम्र और 60-70 की उम्र में भी पहली बार आता है।
लेकिन 60-70 की उम्र में पहली बार दमा अगर आता है तो उसके पहले मुझे कई सारी बीमारी को देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं कहीं बोलूंगा कि दमा है कि नहीं है, अस्थमा है कि नहीं, सॉरी। दमा 50-60 की उम्र में शुरू होता है, तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि पिताजी बीड़ी पीते थे, स्मोकिंग करते थे, कहाँ काम करते थे, क्या इनको परेशानी लंबे समय से सांस की बनी हुई है या पिछले 4-6 महीने में आई है, तो इससे आपकी डायग्नोसिस, आपकी बीमारी बदल जाती है। अगर 78 की उम्र में सांस की परेशानी इनको पिछले साल, डेढ़ साल, दो साल से ही आई है, तो दमा के अलावा इनको एक हार्ट का चेकअप भी ज़रूरी है, ये भी देखना पड़ेगा इस उम्र में कि कहीं खांसी या सांस भरने की शिकायत हार्ट की वजह से तो नहीं है। चलिए, तो आप लोग जब भी कभी अपने सवाल पूछें तो और एक सवाल थोड़ा क्लियर भी करें, लेकिन हाँ, अगर 78 वर्ष की उम्र में सांस लेने में तकलीफ है या सांस की बीमारी है तो दमा अस्थमा एक तो दोनों में फर्क है, लेकिन सिम्टम के साथ साथ पुरानी हिस्ट्री, पुराना रिकॉर्ड चेक करना भी जरूरी है। इसके लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर को जो नियरेस्ट हैं आप वहां जरूर दिखाएं ताकि आप अच्छे से डायग्नोस करा सकेंगे दरअसल मुख्य बीमारी क्या है। बैक टू अस्थमा, डॉक्टर साहब, जो अस्थमा है इसका ट्रीटमेंट क्या, इसका कोई खास ड्यूरेशन, जैसे आपने बच्चों के बारे में बताया कि किसी खास एज तक ठीक भी हो सकता है, तो कितना लंबा ट्रीटमेंट है और क्या इसका तरीका है? हमने इसके बारे में बताया था कि अस्थमा बीमारी को ट्रीट करने का मूल जो है वो है अस्थमा का कंट्रोल। जब मैं अस्थमा का कंट्रोल बोलता हूँ तो मैंने किसी मरीज को अगर ट्रीटमेंट शुरू किया है तो सबसे पहले तो मुझे उस ट्रीटमेंट का ये इवैल्यूएशन करना है या ये परख करना है कि उस दवा से उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर दवा से रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर मेरी दवा से मरीज को ठीक हो रहा है, तो मैं 3 महीने तक उस दवा का उतना ही डोज कंटिन्यू करूंगा, मैं उसका डोज कम नहीं करूंगा। हर 3 महीने में दमा के मरीजों का डोज कम होता है और उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब हम उसको दवा के बिना रख सकते हैं, लेकिन उस दौरान दवाओं के अलावा बाकी प्रिकॉशन भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर वहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मरीजों को दवा से आराम नहीं पड़ रहा है तो मैं दवा का डोज बढ़ाऊंगा या फिर मैं देखूंगा कि अस्थमा के अलावा कोई और परेशानी तो नहीं है या फिर ऐसी कोई बीमारी जो अस्थमा को लगातार बनाए के रखा है, जैसे कि अगर किसी के घर में सीलन है, किसी के घर में कॉकरोच है, किसी के घर में कारपेट बिछा हुआ है, कहीं पे कई लोग कंबल जो ओढ़ते हैं वो मखमली कंबल है, चादर जो बिछी रहती है, घर में कई दिनों तक सफाई नहीं होती, घर के अंदर धूल है, ये सारी चीजें दमा बना के रखता है। अधिकतर लोगों के में एक भ्रांत है कि बाहर जब मैं जाता हूं तो धूल से मेरे को परेशानी होती, घर के अंदर की धूल, बंद दरवाजे की धूल, पुरानी पड़ी फाइलों की धूल ज्यादा परेशान करती है, न कि बाहर की धूल। बाहर की, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट में हर 3 महीने में दवा कम होती है और उसके बाद एक स्टेज आता है जब हम जरूरत पड़ने पे दवा देते हैं, ठीक है। तो ये ना समझिए अगर 15 दिन में आपका दमा ठीक हो गया तो मैंने दवा बंद कर दी, ऐसा नहीं। एक जो जनरली जो एक गलती है, इस गलती को ना दोहराएं, क्योंकि अगर अस्थमा है तो इसके इलाज का तरीका ये डॉक्टर साहब को ही डिसाइड करने दें, जो इस पोटेंसी की दवाई जितने वक्त तक दी गई है उसे बीच में ना रोकें, ये समझ के फौरी तौर पर आपको राहत मिल गई। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, थैंक यू, सवालों के जवाब देने के लिए और थोड़ी जानकारी अस्थमा के बारे में बढ़ाने के लिए। तो जिस तरह आपने देखा कि अस्थमा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक होने वाला एक रोग है, इससे आप दूर रहें, इससे आप बचे रहें, इसके लिए कार्यक्रम था। फिर किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे और बीमारी के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, नमस्कार।